Hello friends, welcome to Sufipharm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. Now, today I am going to discuss plant tissue culture. So, plant tissue culture kya hota hai? Uske advantages kya hai? Uske basic concepts kya hai? Aur iski history kya hai? Is video mein hum dekhenge. Sabse pehle jante hain कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है. प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इसके अंदर प्लांट की क्वालिटी और यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए या फिर कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. लेट्स सी द प्लांट टिश्यू कल्चर. इसमें प्लांट के सेल या टिश्यू को लिया जाता है या फिर प्लांट पार्ट को लिया जाता है, जैसे कि लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. इसको लेने के बाद एक प्लांट के टिश्यू या ऑर्गन यानी लीफ, फ्रूट, स्टेम लेने के बाद उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में लैब के अंदर कल्टीवेट कराया जाता है, यानी प्लांट के सेल या टिश्यू को ग्रो कराया जाता है अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन. आर्टिफिशियल कंडीशन यानी प्लांट सेल या टिश्यू को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो कराया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और हाई यील्ड और डिसीज़ फ्री प्लांट. ये प्रोसेस अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन किया जाता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन. यानी इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर सर्कुलेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्लांट टिश्यू कराया जाता है और आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है. आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? फॉर द रीजेनरेशन ऑफ प्लांट. ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया यानी जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया हो, इन न्यूट्रिएंट मीडिया में टिश्यू और प्लांट सेल को ग्रो कराया जाता है अंडर द एनवायरमेंटल कंडीशन. यानी ऐसी कंडीशन लैब में प्रोवाइड की जाती है. नाउ सी द डेफिनेशन. प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू अंडर द एसेप्टिक कंडीशन. एंड एसेप्टिक मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन इन लिक्विड और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम. अपार्ट फ्रॉम द मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलिटिड्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स टू मल्टीप्लाई एंड रीजेनरेट नॉवेल प्लांट फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल. वाई वी परफॉर्म for the growth of primary and secondary metabolites production or to regenerate large quantity of plant. Now the primary or secondary kya hota hai? It is based on the chemical present in the plant. The primary mein carbohydrate, protein or प्राइमरी से सिंथेसिस होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का. इसके अंदर आता है अल्कोलाइट, फ्लेवोनाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, टैनिन्स एक्सेट्रा. उसको एज अ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए यूज़ किया जाता है और एज अ ड्रग यूज़ करते हैं डिसीज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़. तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इनक्रीज़ करने और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को रीजेनरेट करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं. नाउ सी हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर. सो दिस इज़ द डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर. इन दैट 1838 द सेल थ्योरी इंडिकेटिंग टुवर्ड द टोटिपोटेंशियली ऑफ सेल बाय द स्लेडन एंड श्वान. And 1902, the first but
unsuccessful attempt of the tissue culture using monocot by the Haberlandt. He also explained the concept of cell totipotency, and these are the number of history of the plant tissue culture. We will skip this. See, 1941, the coconut milk used for the growth and development of very young Dhatura embryos by Overbeek. And the 1944, the first in vitro culture of the tobacco used to study the adventitious shoot formation by Skog. This is the more history of plant tissue culture. Like 1985, infection and transformation of leaf disc with agarobacterium and tomifacins and regeneration of the transformed plant by Horst. And 1985, the development of disomp T plasmid vector system for the plant transformation by the Fairley. And now see the basic concept of plant tissue culture, or you can say the unique property of plant tissue culture, in that the totipotency kya hota hai. Toti means total and potency means ability. So it is the ability of plant cell to regenerate into a whole plant, that is called totipotency. Yani plant cell ki ability to develop whole plant, ek plant ke cells or tissue se होल प्लांट को रीजेनरेट कराना, इसी को टोटिपोटेंसी कहते हैं. प्लास्टिसिटी मीन्स एडॉप्टेबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट सूट देयर इन्वायरमेंट. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन. सो द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल and structural changes by which cells become specialized in the form and functions and undifferentiated, the cell that has not yet acquired a special structure and function. Next is redifferentiation. Redifferentiation, the further differentiation of already differentiated cell into another type of cell. For example, when the component cell of callus have ability to form a whole plant in a nutrient medium, the phenomenon is called as redifferentiation. Or you can say jab callus cell, callus ke component apne andar ye ability rakhte hain to form the whole plant under the nutrient media or aseptic condition, उसे redifferentiation कहते हैं. And de-differentiation, the phenomena of the reversion of mature cell to the meristematic state leading to the formation of callus called de-differentiation. And these two phenomena of redifferentiation and de-differentiation are inert capacity of the living plant cell or tissue. This is described as totipotency. You can see in the diagram. यहाँ पर हम diagram में देख सकते हैं कि एक plant के cell को लिया जाता है, plant के कोई भी part को लेते हैं, उसको explant कहते हैं, और वो explant को nutrient media, sterilized nutrient media के अंदर डाला जाता है, cut into the small pieces, और उसके बाद उसको जो है grow कराया जाता है, grow करने के बाद callus form होता है. कैलस फॉर्म होने के बाद वो उसके अंदर सेल्स ग्रो होते हैं, इम्ब्रियो, और बाद में जो है वो एक यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है. बाद में जो है उसको यंग प्लांट को निकाल करके एक सूटेबल
प्लेस के ऊपर जो उसको ग्रो कर देते हैं, इसी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पोटेंसी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एक्सप्लांट और प्लांट पार्ट। द टिश्यू टेकन फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडियम ऑफन टू एस्टेब्लिश अ न्यू प्लांट। एक्सप्लांट किसे कहते हैं? एक्सप्लांट लेने के बाद एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टिप ऑफ बर्ड, लीफ, शूट, ऑक्सिलरी बर्ड, इंटरनोड, रूट एक्सेट्रा। सो एक्सप्लांट में ओरिजिनेट फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ प्लांट टिश्यू सच एज लीफ, स्टेम, शूट, रूट, फ्लावर और सेल, पेटियोल्स एक्सेट्रा। द एक्सप्लांट मस्ट बी मेंटेन इन कंट्रोल फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड केमिकल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम कंडीशन। तो एक्सप्लांट को जो है वो मेंटेन किया जाता है अंडर द इन्वायरमेंटल कंडीशन और यू कैन से एसेप्टिक कंडीशन, और केमिकली उसको जो है न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो कराया जाता है। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। द एक्सप्लांट इज सिलेक्टेड, इट इज आइदर हैप्लॉइड और डायप्लॉइड एक्सप्लांट। द प्लांट ग्रोथ कैन बी अचीव्ड इन टू व्यूज, showed directly by the appropriate media and by somatic embryogenesis. So callus क्या होता है? Next is the callus, and callus क्या होता है? Unorganized or undifferentiated mass of cell को callus कहते हैं। When the plant are cultured in a suitable medium, they divide to form callus. जब हम plant के part को या explant को जब हम grow कराते हैं सूटेबल मीडिया के अंदर, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, उसके बाद में जो फॉर्म होता है उसी तो कैलस फॉर्म होता है। उसको हम जो है मास ऑफ पैरेंटेमेटस सेल फॉर्म होता है उसी को हम कैलस कहते हैं। टिश्यू कल्चर। इनक्लेसिव द टर्म फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट। In that undifferentiated plant cell, plant callus, plant tissue and micropropagation, in that the production of whole plant from a small section of a plant called explant, apical bud, auxiliary bud, meristem, and usually the method used by the commercial tissue culture laboratories in micropropagation, since a whole plant including shoot and root is produced by which is genetically identical to the mother plant. Nowadays the tissue culture, in vitro culture and micropropagation are something sometimes used interchangeability. Now see, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है? इसमें प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें टिश्यू कल्चर करना है। तो प्लांट टिश्यू को सिलेक्ट करने के बाद उसके स्पेसिफिक पार्ट को लिया जाता है। स्पेसिफिक पार्ट यानी सेल या टिश्यू को, या जैसे रूट के टिप या शूट टिप एक्सेट्रा, उसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम लीफ का जो है पार्ट लेंगे, और इस लीफ के पार्ट को लेने के बाद उसको स्टराइल करते हैं वाटर से वॉश करके, और केमिकल से उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद में उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं, और ये स्मॉल पीस यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, उसी को हम एक्सप्लांट कहते हैं। और ये एक्सप्लांट को अंडर एसेप्टिक कंडीशन उसको ट्रांसफ़र करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में,
बाद में उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं, और ये ग्रो होने के बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेशन होता है, और उसके बाद ये प्लांट डेड और यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ प्लांट में डेवलप होता है। इन शॉर्ट, हम प्लांट के सेल और पार्ट को लेकर उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल और एसेप्टिक कंडीशन में उसको डेवलप करते हैं, तो उससे होल प्लांट जो है वो डेवलप होता है बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो एडवांटेजेस, और टिश्यू कल्चर इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑब्टेनिंग डिसीज़ फ्री प्लांट। इसके अंदर जो है डिसीज़ फ्री प्लांट ऑब्टेन करते हैं, एंड रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट दोज आर डिफ़िकल्ट टू प्रोपोगेट। ऐसा प्लांट जो जो है उसको प्रोपोगेशन उसका जो है मुश्किल रहता है, तो उसको जो है भी टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोपोगेट कर सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल प्लांट ऑब्टेनिंग एंड्रोजेनिक एंड गायनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड लार्ज स्केल प्रोपोगेशन ऑफ लिटिड्स। इसके अंदर जो है जो स्पीसीज रेयर रहती है उसके अंदर जो है हम उसको प्लांट टिश्यू कल्चर से उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे उसको प्रोपोगेट करा सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ कम होती है उसका भी प्लांट टिश्यू कल्चर करके उस स्पीसीज़ को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यू उसका बढ़ा सकते हैं। एंड मेटाबोलिक इंजीनियरिंग ऑफ द फाइन केमिकल, द टिश्यू कल्चर इज बिकमिंग एज एन अल्टरनेटिव मीन्स टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट। इन विट्रो ग्रोइंग प्लांट आर यूजली फ्री फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीज। द वायरस इरिडिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट इन वायरस फ्री स्टेज कैन ऑल्सो बी रैपिडली अचीव्ड इन द कल्चर। और ईजी प्यूरिफिकेशन एंड बायोसिंथिसिस ऑफ द केमिकल कंपाउंड, मॉडिफिकेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ और ओवरकम द फ्लक्चुएशन इन द क्वालिटी। इसमें ट्रेडिशनल मेथड में प्लांट के अंदर सूटेबल कंडीशन नहीं होती तो उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी अफेक्ट करती है। उसको प्लांट टिश्यू कल्चर में आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल लाइक बटन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल कंडीशन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।